वेलकम टू येट अनदर वीडियो गाइज। ये जो हमारा वीडियो है वो जो 2 दिन के जो हमारे फ्री एंट्री जो कस्टम हुए उनकी हाइलाइट्स हैं इसमें, और उनमें जो ना जिन जो उन्होंने क्वालिफाई किया वो है, टीम स्टैंडिंग है, बाकी चीज़ें हैं। तो वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखना, क्योंकि डे वन का जो हाईलाइट है उसके बाद आपको ही देखने मिलेगा जो डे वन के विनर हैं, और डे टू के जो हाईलाइट्स है उसके बाद देखने मिलेगा आपको कि कौन सी जो टीम है, जो 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर गई हैं, जो नेक्स्ट राउंड में हमारे जो जाएंगी डायरेक्ट टूर्नामेंट में उनको फ्री एंट्री मिलेगी उसके लिए। सो प्लीज़ ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। और आपको बाकी चीज़ें भी इसमें मिल जाएगी, जैसे कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है और सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कॉर्ड की लिंक विंक सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स। कनेक्ट होते हुए बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पर 1 पप्पी का, और यहाँ पर वापस से कुछ आ गए हैं, फॉल बैक कर लिए वहां पर। लेट्स सी। ओके, गाड़ी से यहाँ पर मूव करते हुए रेत पीछे साइड पे, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नॉक वापस से 1 पप्पी ने यहाँ पर नॉक किया, और यहाँ पर रेड चाइल्ड ने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। काफी अच्छा गेम यहाँ पर, टोटल 3 किल यहाँ पर निकल। मिथा गोपी इनके सामने, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्प्रे। ओह, बहुत ही अच्छा नेड यहाँ पर, एक नेड से दो दो बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा नेड यहाँ पर। यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जो सामने टीम के हैं दो दो बंदे नॉक हैं, और मॉली भी अच्छा ट्राई किया है, बट वहां पर से जो फास्टर है वो पीछे हो चुके हैं, और यहाँ पर उसे भी नॉक कर दिया है मिथ हेडशॉट को। लेट्स सी मिथ सेवेज जो है वो कहाँ पर है अभी। ओके, मिथ सेवेज पीछे से आते हुए, और मुझे नहीं लगता कि वो अब अकेले अपनी स्क्वाड को बचा पाएंगे यहाँ पर। लेट्स सी 98 फास्टर की जो हेल्थ है फास्टर की वो बहुत ज्यादा लो होते हुए, और पीछे से बहुत ही अच्छा रश किया, नॉक कर दिया, और यहाँ पर बहुत ही, ओ भाई बहुत ही अच्छा ट्राई था, बट यहाँ पर अब हर तरफ से शॉट्स पड़ते हुए टीम नंबर, और 2 MB सुसाइड को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। रॉजर को भी यहाँ पर कुछ टोपी ने नॉक करके फिनिश भी कर दिया है, बहुत ही अच्छा खेलते हुए टीम नंबर 25 यहाँ पर, बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए। और वहां पर फ्यूजन भी नॉक पड़े हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन दिस कैमरा। ओके, तो सीनियर भी यहाँ पर नॉक है 1 किल के साथ, ये हमारी टीम अभी भी सरवाइव कर रही है। अभी इनके एक बंदे, और कुछ ओपी ने यहाँ पर किंग को भी नॉक कर दिया है। क्या जबरदस्त खेल रहे हैं यहाँ पर हमारी टीम नंबर 25, काफी अच्छा यहाँ पर खेलते हुए। और गोकू ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि वो रश कर देते, क्योंकि 2 बंदे ऑलरेडी खा चुके थे, और यहाँ पर एक बंदा फिर नॉक था, और पीछे से बहुत ही अच्छा कवर यहाँ पर गन शॉट ने, के वो पीछे की फाइट है, गन शॉट ने वहां पर नॉक किया था, और प्ले यहाँ पर बहुत ही अच्छा नॉक किया गोकू ने। लेट्स सी लास्ट बंदे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ओपी परफॉर्मेंस यहाँ पर, नॉक किल निकाल चुकी है हमारी टीम नंबर 25, काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए। बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जोन जो है वो उस तरफ हो चुका है, वहां पर 2 MB की स्क्वाड को भी बहुत ज्यादा फाइट होते हुए। 9 बंदे अभी भी टोटल बचे हैं यहाँ पर, ओल्ड मॉन्क भी फिनिश हो चुके हैं, हॉक आई की पूरी टीम यहाँ पर जो कि मिलिट्री ब्रिज पे कैंप कर रही थी वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर स्मोक्स का यूज किया जा रहा है रिवाइव देने के लिए। लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 7 के अभी भी 3 बंदे जिंदा हैं, और यहाँ पर सीनियर का काफी अच्छा नेट, यहाँ पर नेट से दो दो बंदे को नॉक कर दिया है, काफी अच्छा नेट या, ओ भाई बहुत ज्यादा डैमेज, फिर डैमेज पड़ा, बहुत ही प्यारा नेट करते हुए यहाँ पर। पंख की बहुत ज्यादा लो HP, 1 HP पे बचे हैं, बट रिवाइव यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। अगर ये नेट सही से कनेक्ट होता, इनका एक और नेट अगर वो यहाँ पर कर देंगे, तो पूरी की पूरी टीम नंबर 7 फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर पीछे से रिवाइव मिल चुका है, बट स्मोक्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, और वहां पर गोकू ने SRT सीनियर को नॉक किया, और यहां पर SRT के एक जन यहां पर पीछे को रेड चाइल्ड को काफी ज्यादा टैप दिया, और यहां पर वेक्टर का यूज करते हुए यहां पर कुछ ओपी पीछे से रश किए, और यहां पर चिकन डिनर निकाल चुकी है हमारी 4 फॉक्स की टीम। सो एज यू कैन सी रश एंड क्रश जो है हमारी चिकन डिनर निकाल चुकी है, और वो आई है फर्स्ट पोजीशन पे विद 16 किल्स, और टीम स्टैंडिंग आप वहाँ पहले ही टीम्स पे देख चुके होंगे। तो बाकी की स्टैंडिंग जो ओवरऑल स्टैंडिंग है किल्स और जो पोजीशन स्टैंडिंग उन दोनों को मिला के वो कुछ हमारी इस तरह, रश एंड क्रश फर्स्ट, आयरॉनिक आई है सेकेंड विद 25 पॉइंट्स, स्ट्राइकर गेमिंग आई है थर्ड विद 21,
पॉइंट्स ले आई हमारी फोर्थ विथ 20 पॉइंट्स, 2 MB मिथ जो है वो हमारी आई है फिफ्थ 17 पॉइंट्स के साथ, और 1 RTB आई है हमारी सिक्स 17 पॉइंट्स के साथ, और 7 जो हमारी आई है वो लिकर है जो कि 15 पॉइंट के साथ, और जो 2 MB है वो 8th आई है विथ 14 पॉइंट्स। सो यही था आज का हमारा स्टैंडिंग जो डे वन का है, तो इस हिसाब से जो फ्री एंट्री है वो रशियन क्रश को मिल जाएगी। और ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन रशियन क्रश यहाँ पे, और अब बाकी जो सेकेंड हाईलाइट है वो देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा सेकेंड डे की कौन सी टीम स्टैंडिंग मतलब कैसी रही, किसने चिकन डिनर निकाला और कौन यहाँ पे अभी मतलब जो फ्री एंट्री में जाएगा। लेट्स सी क्या रश करते हैं। जी हाँ, रश तो कर दिया है और काफी लो किया। एक और नेड यहाँ पर नमन ने नेड किया है, नेड से उतना डैमेज नहीं पड़ा। रॉक्स बर्ड को वहां पर नॉक कर दिया, बट एलक्यूआर के 8 PM नॉक है वहां पर। और यहाँ पर मैस विद अस की पूरी स्क्वाड को पूरी तरीके से फिनिश किया थर्ड पार्टी करके। ये टीम बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए ओके, तो यहाँ पर 2 MB ने यहाँ पर एनटीक्यूटी को नॉक कर दिया है। और यहाँ पर रॉयल स्टैग भी जो है वो बहुत ज़्यादा लिट है स्कूल अपार्टमेंट से यहाँ पर शॉट लेते हुए 2 MB की स्क्वाड। जो बंदे यहाँ पर पुश करते हुए रश कर रहे हैं शायद दूसरी पोजीशन से होल्ड करेंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा ये, बट थोड़ा और पहले करते तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता, क्योंकि अब जो बंदे हैं वो हील अप हो चुके हैं तो इक्वल फाइट देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ट्रैप, बहुत ही अच्छा यहाँ पर नॉक किया और 100 बैक पाइपर। ओह बहुत ही अच्छा, और एंटीगुटी ने एक ही स्प्रे में दोनों बंदे को नॉक कर दिया। और LQR 100 पाइपर वहां पर बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पर रेथ स्नेक को नॉक किया। और यहाँ पर 2 MB किंग भी नॉक है, तो दो बंदे अभी भी 2 MB के नॉक है। यहाँ पर रॉजर को भी नॉक कर दिया है और यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो गई हमारी। एक और टीम यहाँ पर आ चुकी है, बट नहीं, आई गेस यहाँ पर नहीं होल्ड कर रही है पोजीशन ये। और 10 डेथ भी वहां पर 100 पाइपर को यहाँ पर नॉक कर दिया। और 8 PM काफी ज्यादा लेट है, बट यहाँ पर अकेले ही घुस गए थे बंदे, तो यहाँ पर 10 डेथ को तो पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। यहाँ पर नो मर्सी ट्राइब के वीनस ने यहाँ पर पीछे से नॉक किया, तो एक और पार्टी यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी है यहाँ पर फाइट को। LQR 100 पाइपर को रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ओपन पे कहीं से भी शॉट पड़ सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड मॉन्ग ने रतन YT को भी नॉक कर दिया है, टीम नंबर 9 के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर। टीम नंबर 9 काफी ज्यादा मुश्किल पे यहाँ पर। स्प्रे गॉड को भी नॉक कर दिया है, रतन YT को फिनिश कर दिया NMT ने यहाँ पर पीछे से। काफी बुरी सिचुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पर, नेड यहाँ पर करते हुए। और यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी टीम फिनिश हो चुकी है। आयरॉनिक क्यू की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश करती टीम नंबर 11 ने पुश करके। और यहाँ पर LQR के बंदे पे शॉट्स लेते हुए हील अप हो चुके हैं, और एंटीक्यूटी ने हॉक आई को यहाँ पर नॉक कर दिया है। लेट्स सी, यहाँ पर ओल्ड मॉन्क को यहाँ पर स्ले शेयर यहाँ पर नॉक कर चुके हैं। स्ले शेयर अकेले ही अपनी टीम के लिए काफी अच्छा, और यहाँ पर RTV सौरभ को भी फिनिश नॉक कर दिया है। और पीछे से यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पर M4 से 6x का इस्तेमाल करते हुए, काफी अच्छा स्प्रे यहाँ पर। जोन पे भी एंट्री ले ली है यहाँ पर पीछे से, ये सिंगल बंदा जो है सभी टीम को प्रॉब्लम दे रहा है, पीछे से हर जगह से फायर करें। स्लेशेर ने यहाँ पर पूरी स्क्वाड को फिनिश कर दिया, बहुत ही अच्छा यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट करके पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर फिनिश कर दिया। काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए स्लेशेर, 6 किल निकाल चुकी है अपनी टीम के लिए अकेले ही। काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर स्ले शेयर का, बट अब फायर आते हुए तो वापस फॉल बैक कर रहे हैं। यहाँ पर नेड पे नेड LQR करी जा रही है, जोन का रोटेशन। ओह, और यहाँ पर राइट से पड़ते हुए, ओह अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 100 पाइपर ने यहाँ पर पूरी तरीके से स्ले शेयर को फिनिश कर दिया। यहाँ पर नो मर्सी ट्राइब के बंदे ने काफी ज्यादा शॉट लिया था इनपे, और विकास को 8 PM ने नॉक कर दिया है। 8 PM ने ओजू को भी यहाँ पर नॉक कर दिया, दोनों बंदे नॉक है। डिजनी सिराज को मैं देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा लिट है, और यहाँ पर नो मर्सी ट्राइब ने विकास को फिनिश कर दिया और ओजू को भी फिनिश कर दिया, तो किल यहाँ पर जो की है चोरी कर दिया है यहाँ पर से LQR का, जो किल है वो चोरी कर दिया है नो मर्सी ट्राइब के बंदे। यहाँ पर डिजनी सिराज के क्लोज आ गए हैं, बट डिजनी सिराज अकेले बचे हुए अपनी टीम से।
ओ यहाँ पर 4v4 फाइट देखने को मिलने वाली है। आखिरी में दो ही टीम सरवाइव कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा हमें यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगा। एलक्यूआर का बंदा ओपन पे यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर नॉक होंगे, बहुत ही गलत रश यहाँ पर, बट यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए काफी कवर मिल रहा है वहां पर। क्या पता वीनस यहाँ पर फिनिश करने के लिए आ रहे हैं। यस यहाँ पर बहुत अच्छा डिसीजन लिट कर दिया है उन्हें, अब रिवाइव मिल पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। और यहाँ पर मरकुरी ने रॉयल स्टैक को भी नॉक कर दिया है। एलक्यूआर काफी ज्यादा मुसीबत पे दिखते हुए, और यहाँ पर नेड करके हंड्रेड पाइपर को फिनिश कर दिया। एंटीक्यूटी ने अपने ही बंदे को नेड से फिनिश कर दिया। आई डोंट नो किल किसको मिलेगा, बट यहाँ पर काफी ओके, मरकुरी वहां पर गाड़ी से ही पुश कर दिए हैं बंदों पे। ओके और एंटीक्यूटी की एचपी बहुत ज्यादा लिट है, मर्क्यूरी भी काफी ज्यादा लिट है। मर्क्यूरी को वहां पर AKM से नॉक कर दिया और वीनस ने यहाँ पर नेड से एंटीक्यूटी को नॉक कर दिया। काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर, दोनों ही टीम काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए। बट अभी जो टीम यहाँ पर ओके, एलक्यूआर रॉयल स्टैक को भी फिनिश कर दिया। 8 PM जो है आखिरी बंदे यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और काफी ज्यादा मुश्किल पे दिख रही है मुझे एलक्यूआर की स्क्वाड। यहाँ पर ओपन पे आ गए, स्मोक भी नहीं किया है अपने बंदे के लिए, और यहाँ पर नो मर्सी ट्राइब ने चिकन डिनर निकाल लिया अपनी। यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर ले जा चुकी है नो मर्सी ट्राइब, और लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को स्वैप दिख रहा है वो है लिकर ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ग्रैब किया है विथ 34 पॉइंट्स। नो मर्सी ट्राइब यहाँ आई है सेकेंड विथ 33 पॉइंट्स। स्ले आई है थर्ड विथ 22 पॉइंट्स। आयरेनिक क्यू जो है वो यहाँ पे फोर्थ आई है विथ 20 पॉइंट्स। डिज्नी यहाँ पे फिफ्थ आई है विथ 18 पॉइंट। वन आर टी बी विथ 16 पॉइंट्स, सिक्स पोजिशन। सेवन्थ आई है मैस विथ अस विथ 13 पॉइंट्स, और स्ट्राइकर ई स्पोर्ट्स आई है 8th with 12th position। तो यहाँ पे जो हमें स्वैप है वो किल्स के कारण देखने मिल रहा है। लिकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव खेल के 14 किल्स निकाल के 34 पॉइंट से यहाँ पे आज की हमारी फ्री एंट्री डे टू में पोजीशन अपना ले लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम लिकर यहाँ पे। और बाकी जो है यार, जो भी स्टैंडिंग वैंडिंग है आप यहाँ देख लीजिए, और अगर आपको डे थ्री का एंट्री अभी रजिस्ट्रेशन हमारा चल ही रहा है तो उसमें रजिस्टर कर लीजिए, और पेड रजिस्ट्रेशन में भी 6 ही स्लॉट बचे हैं, तो अगर आप जल्दी से जल्दी आ सके तो ज़्यादा बेटर। और अगर कोई भी टीम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाती है या फिर रजिस्ट्रेशन करती है और उनको स्लॉट्स नहीं मिलते हैं, तो या तो वो हमसे अपना जो कैश है वो रिफ़ंड ले सकते हैं, और या नहीं तो वो उनको क्या बोलते हैं अगले टूर्नामेंट जो अगले वीक होगा उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन दे देंगे, क्योंकि आगे भी वीक्स में हमारी और भी जो टूर्नामेंट है वो होने वाली है। सो उसके लिए भी आप पूरे मतलब ध्यान देते रहिएगा इसमें। और गाइज थोड़ा टॉक्सिक ना होए प्लीज़ चैट में, थोड़ा हम लोग भी पहली बार करा रहे तो काफ़ी चीज़ हम लोग के लिए भी नया है। और यार स्पेक्टेटर स्लॉट के लिए आपने जो भी हमें फीडबैक दिया गाइस, स्पेक्टेटर स्लॉट में आप जितने ज़्यादा हम लोग हो सके उतने ज़्यादा बंदे बैठाएंगे यार, वो आप ऐसे एक पे तो लिमिटेड नहीं रह सकता, क्योंकि जो स्पेक्टेटर स्लॉट है वो थोड़ा बात ये हो जाता है ना कि स्पेक्टेटर में जितने ज़्यादा लोग होंगे उससे ज़्यादा हम लोग मतलब देख सकते हैं ना कि गेम में कहीं कोई मतलब हैक्स वैक्स यूज़ ना हो रहा हो, कोई टीम अप ना हो रहा हो, तो उसके लिए एक आदमी जो स्ट्रीम भी कर रहा है वो ही कैसे देख लेगा यार। तो वो प्लीज़ वो सब पे आप थोड़ा मतलब गुस्सा ना हो, भड़के ना, क्योंकि ये भी हम लोग के लिए मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें अब बाकी। और जो भी है यार रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करो, पेड रजिस्ट्रेशन भी अब फुल हो ही गया ऑलमोस्ट, तो उस पर भी देख लेना अगर करना होगा तो, और अगले टूर्नामेंट के लिए भी कर सकते हो, और मनी रिफंड भी अगर आपका स्लॉट नहीं मिलता तो ज़रूर कर देंगे। और बाकी मॉडरेटर से भी आप कांटेक्ट करिए, जो 2-3 हमारे मॉडरेटर हैं उनसे बात करिए जो भी है डिस्कॉर्ड पे। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग यार, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। और कमेंट करके बताएं आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, डिस्कॉर्ड से हमारे जुड़ जाए, नीचे लिंक दिया हुआ है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमारा जो जो भी हमारी कम्युनिटी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, पीस।